आप समझिए कि इस देश में लगभग 160 के आसपास अरविंद केजरीवाल के विधायक हैं पूरे देश में, और ना जाने कितने पार्षद होंगे पंजाब वंजाब सब मिला भी लें तो। लेकिन ये ऐसी पार्टी है कि इसको सड़क पर अगर टांके भी लगाने हैं तो उसके लिए भी अरविंद केजरीवाल को आगे आना पड़ता है। इसके सारे विधायक सारे पार्षद सब नकारे हैं, सब निकम्मे हैं। सड़क पर टांका भी लगाना है तो केजरीवाल आके घोषणा करेंगे कि हाँ अब मैं आ गया हूँ, अब सड़क पर टांके लगाने का काम शुरू होगा। तो ऐसी तुगलकी पार्टी जो फरमान से चलती हो, उस बंगले में ऐसा क्या छुपाना चाहती है अरविंद केजरीवाल बताएं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना बताएं, और राज्यसभा सांसद जो सुबह आज हैरान थे कि क्यों बंगले का कब्जा नहीं दिया जा रहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिना सेंक्शन प्लान के बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कौन आदमी रहता है जी। तो हमारी ये मांग है और ये हमारी नहीं पूरी दिल्ली की जनता की मांग है, जिसका हमने पहले भी किया बार बार खुलासा करने की कोशिश की है कि ये बंगला जनता के लिए खोला जाए, उसको दिखाया जाए। लेकिन क्योंकि इस पूरे बंगले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इसके अंदर की जो पूरा जांच पड़ताल है वो नहीं हो पा रही है, उसकी वेंट्री तैयार नहीं की जा पा रही है, तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस बंगले को सील किया जाए।